देश की रक्षा करते हुए हरियाणा के एक और लाल शहीद हो गया है, जो झज्जर जिले के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि साल के पहले ही दिन जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी गोलीबारी के दौरान नायाब सूबेदार रविंद्र कुमार शहीद हो गए, जिनका पार्थिव शरीर बीते शनिवार की शाम को झज्जर लाया गया। शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचने के बाद से पूरे गांव में गमगीन माहौल बना हुआ है। हादसे का तो इनके तो शहीद के दादा भी आर्मी में थे, इनके पिताजी भी आर्मी से ही जेसीओ रिटायर्ड हैं जी। और बहुत ही सदमा में और दुख की घड़ी फील कर रहे हैं कि एक तो होनहार लड़का जी, डिसिप्लिन बचपन से डिसिप्लिन, आर्मी में भी अपने नायब सूबेदारी का रैंक पहन के भी शायद ही कुछ महीने हुए हैं और इतनी यंग एज में इन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, इसके लिए घमंड है, दुख भी बहुत ज़्यादा है जी। तो आज झज्जर में इनका पार्थिव शरीर आया, आज ये झज्जर में इनका पार्थिव शरीर आया है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमारे लगातार परिवार के साथ में टच में है, झज्जर का एडमिनिस्ट्रेशन जी, और साथ में ही हमारी हरियाणा में एक्सर्विसमैन लीग जी, भूतपूर्व सैनिकों का जो संघ है जी, उन्होंने भी लगातार कर रहे थे। और ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि भूतपूर्व सैनिक झज्जर जिले का जो इनका कार्यालय है उसमें भी अभी आज ये पत्थर से रिलीज। शहीद रविंद्र कुमार की शहादत पर पूरे देश को नाज है। ग्रामीणों ने बताया कि शहीद रविंद्र ने कारगिल युद्ध में भी दुश्मनों का मुकाबला करते हुए उनके छक्के छुड़ाए थे, लेकिन जब ग्रामीणों को रविंद्र की शहादत की खबर मिली है तो उसके बाद से पूरा गांव व क्षेत्र के लोगों का गर्व हुआ है कि उनके एक और लाडले ने देश के लिए कुर्बानी दी है। गांव के सरपंच सुदेश का कहना है कि शहीद रविंद्र का अंतिम संस्कार भी उसी पंचायती भूमि पर किया जाएगा जहाँ पहले भी गाँव के 3 शहीदों का संस्कार किया गया था। इसके लिए ग्राम पंचायत की तरफ से जहां शहीद रविंद्र की अंतिम संस्कार किया जाना है वहां जमीन की साफ सफाई कराई गई है और राजकीय सम्मान के साथ एलावास गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। ताऊ का लड़का द्वारा फोन आया था, गुल्लू द्वारा, तुरंत बाद वो फिर मेरे द्वारा आया था, भाई नुन्नू बन गई, फिर हम जो है गया अपना साहब पड़ोसी द्वारा काकावा सिंह द्वारा, उत जाके बातचीत करी, फिर तो वह सारे टेलीविजन में भी आ गई, तो रविंदर जाखड़ जो है सही दौर जो है कारगिल में भी अच्छी लड़ाई लड़ी थी। बताया जा रहा है कि शहीद रविंद्र के पिता मीर सिंह भी सेना में कार्यरत थे, वो सेना की आर्मी सप्लाई कोर से वर्ष 1991 में सेवानिवृत्त हुए थे, जबकि उसका बड़ा भाई जितेंद्र भी ग्रेनेडियर रेजिमेंट में फिलहाल रुड़की में तैनात है। वहीं शहीद का भतीजा मंजीत भी सुलह ग्रेनेडियर में रविंद्र के साथ ही तैनात है। शहीद नायाब सूबेदार रविंद्र के 2 लड़के हैं, एक बीए प्रथम वर्ष में नितिन कुमार अंबाला में शिक्षा ग्रहण कर रहा है, जबकि छोटा बेटा कार्तिक 12वीं कक्षा में अंबाला के निजी स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहा है और शहीद की पत्नी राजवंती बच्चों के साथ अंबाला में ही रहती है। शहीद का बाकी परिवार गाँव सालावास में रहता है। नायाब सूबेदार रविंद्र कुमार की शहादत पर पूरे देशवासियों को गर्व है और उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करता है। झज्जर से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी।